आशिकी का तीसरा भाग जल्द ही आने वाला है। फ्रेंचाइजी के निर्माता फिल्म की आशिकी 3 को लेकर पूरी तरह तैयार हैं। फिल्म में बॉलीवुड के राइजिंग सुपरस्टार कार्तिक आर्यन लीड रोल में होंगे। आशिकी फ्रेंचाइजी अपने ब्लॉकबस्टर म्यूजिक के लिए जानी जाती है, ऐसे में आशिकी 3 का म्यूजिक भी खास होने वाला है। संगीतकार प्रीतम अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। इस बीच फिल्म का पहला गाना इंटरनेट पर लीक हो गया है। लीक वीडियो ने इंटरनेट को दो भागों में बांट दिया है। यह वीडियो कथित तौर पर आशिकी 3 का एक गाना है जिसे अरिजीत सिंह ने गाया है। हालांकि फैंस अरिजीत सिंह की आवाज से परेशान नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर यूजर्स आशिकी 3 के लिए अरिजीत सिंह के लिए विरोध जाहिर कर रहे हैं। आशिकी 3 का गाना लीक होते ही इंटरनेट पर बवाल मच गया है। वीडियो वायरल होते ही हर तरफ से कमेंट्स आने लगे हैं। एक यूजर ने लिखा कि क्या अरिजीत की आवाज से कोई थका नहीं है क्या। वहीं एक अन्य यूजर ने कमेंट किया, भाई अंकित तिवारी को वापस लाओ या अरिजीत को छोड़ दो, मैं तो बस उससे थक गया हूँ, अब हर गाना उसी से गवा देते हूँ। एक यूजर ने यह भी लिखा कि बाकी सिंगर्स मर गए हैं क्या, जबकि दूसरे ने कहा अंकित को गाने का मौका मिलेगा क्या, या इस बार भी हमें अरिजीत को ही सुनना होगा। इस ऑनलाइन झगड़े के तुरंत बाद आशिकी 3 फैंस ने वीडियो को अफवाह बताते हुए कहा कि फर्जी गाने का अलर्ट, प्रीतम दादा ने आशिकी 3 पर काम करना भी शुरू नहीं किया है, कोई भी गाना लीक नहीं हो सकता, इसलिए जो कुछ भी है उस पर विश्वास ना करें, सोशल मीडिया पर आंख मूंद कर पोस्ट किया गया है। दूसरी ओर आशिकी 3 मेकर्स की ओर से लीक हुए गाने के वीडियो के बारे में कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया गया है। खबर है कि कार्तिक आर्यन स्टार आशिकी 3 अगले साल जनवरी 2024 में फ्लोर पर जाएगी। फिल्म का निर्देशन अनुराग वासु करेंगे। फिल्म की लीड हीरोइन को लेकर अभी कोई जानकारी नहीं दी गई है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। एंटरटेनमेंट से जुड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहें स्पाइस न्यूज़ भारत।